आपको मिलने वाले हैं ये। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि S21 प्लस या iPhone 12 दोनों के प्राइसिंग सेम है, तो किस तरीके से आपको इसकी इमेज और क्वालिटी मिलने वाली है। अगर आप iPhone, Mac, iPad सब यूज़ करते हैं तो फिर आपको iPhone के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र इन सब चीज़ों के अंदर। फोर के 60 FPS में फ्रंट फेसिंग कैमरा कुछ इस तरीके का वर्क करता है, और ये शूट हो रहा 4K 60 FPS में। मैं हाथ हिला रहा हूँ, आप देख सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन आपको किस तरीके का मिल सकता है। तो ये है iPhone 12 की वीडियो, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से। अब ये है अल्ट्रा वाइड में और ये है वाइड में, और ये है इसका फुल जूम 3x तक जाता है जो वीडियो में।
फुटेज आईफोन 12 की, ये है इसका वाइड एंगल लेंस, ये अल्ट्रा वाइड, नहीं पहले वाला था अल्ट्रा वाइड, ये है वाइड, तो आप देख सकते हैं इसमें। बाकी जूम 3x तक करता है, तो कुछ इस तरीके की फुटेज दिखाता है। ये इसकी नाइट की है, ये है अभी वाइड, और ये गया इसमें अल्ट्रा वाइड। आप देख सकते हैं किस तरीके की फुटेज इसमें आ रही है, नाइट फुटेज ये किस तरीके की शो कर रहा है। और ये शूटिंग जो हो रही है अभी 4K 30 FPS में हो रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का लुक ये रात को आपको दे रहा है। अभी जो शूट हो रहा है ये हो रहा है 4K 30 FPS, तो इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल वाला लेंस काम नहीं करता, आप नॉर्मल वाला जो वाइड एंगल लेंस है उसी से काम कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल इसमें काम नहीं करता। तो 3x जूम पे 460 FPS पे इस तरीके का फुटेज आपको मिल रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। रो इमेज रखने वालों में एडिटिंग के टाइम पे इसमें, तो ये है अल्ट्रा वाइड, बल्कि ये है वाइड, अल्ट्रा वाइड इस पर काम नहीं कर रहा 4K 60 पे। बाकी HD में भी मैं अभी डाल के देखता हूँ इसमें फुटेज किस तरीके की आती है, तो ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबी बनेगी। तो अभी स्विच करता हूँ मैं इसका फुल HD में, तो ये है फुल HD में। अब इसमें अल्ट्रा वाइड आ रहा है, तो अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा ब्लैक आउट कर देता है फुटेज को, तो देख सकते हैं वाइड एंगल पे ये इस तरीके की इमेज दिखा रहा है। और इमेज स्टेबलाइजेशन तो आप देख ही सकते हैं, वीडियो इतनी स्मूथ किसमें आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जूम करता हूँ तो मैं 3x, तो कुछ इस तरीके के फुटेज ये हमें प्रोवाइड कराता है, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। आई होप कि आपको इसका आइडिया लग जाएगा किस तरीके का फुटेज ये निकालना है, वाइड अल्ट्रा वाइड वाइड अल्ट्रा वाइड वाइड। तो ये है HD फुल HD 60 FPS, और ये है आईफोन 12 का फुल HD 60 FPS। तो आपको इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन कुछ तरीके की मिलती है, तो कुछ इस तरीके का 60 FPS में फुल HD में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी। फुटेज है इसकी, और यदि हम मॉर्निंग वाली फ़ोटो इसमें मर्ज करेंगे तो अभी तो ये नाइट फुटेज है इसकी सारी जितनी भी आपने देखी, और आप कंपेयर भी देख सकते हैं S21 Plus और S21 Plus और आईफोन 12 का कंपेरिजन भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से निकल के आ रहा है। दोनों का प्राइस भी लगभग सेम है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हैं तो आईफोन 12 भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो हो या एयर ड्रॉप करना हो या कुछ भी आपको फुटेज निकालनी हो तो इजी टू वे रहता है एप्पल का इकोसिस्टम, तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। आई होप कि आपको नाइट की फुटेज तो समझ में आ गई होंगी, और डे लाइट की फुटेज हम इसमें मर्ज करके आपको दिखाएंगे। अब शूट हो रहा है ये 4K 60 FPS में, तो अब देख सकते हैं आईफोन 12 की इमेज स्टेबलाइजेशन किस तरीके की निकल के आ रही है, तो एक आइडिया आपको लग जा रहा है इससे किस तरीके का व्यू इसमें आ रहा है। फुटेज किस तरीके की आ रही थी और वीडियो किस तरीके की आ रही है, इसमें आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा।
कि 4K FPS और 4K 60 FPS 30 FPS फुल HD और एडिट मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, जैसी है वीडियो एज इट इज रखी है। फ़ोटो भी मैंने इसमें कोई कलर ग्रेड या चेंज नहीं करा, ना ब्राइटनेस चेंज करी है, जैसे हैं रॉ इमेज हैं, मतलब ये जो फ़ोन ने खींची है, नाइट हो डे हो अल्टीमेट जैसे भी फ़ोटोज़ दोनों फ़ोन ने क्लिक किए हैं मैंने उसी तरीके के रखे हैं, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस मैंने किया नहीं है।